हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ओवरव्यू एंड फीचर्स ऑफ CSS3। तो हम CSS और CSS2 का कंपैरिजन देखेंगे विद CSS3। सो एज यू कैन सी इन द टेबल देयर आर सम फीचर्स और उनके बेसिस पे मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है। सो कंपेटिबिलिटी अगर हम फीचर की बात करते हैं तो CSS2 और CSS एंड CSS3 में क्या डिफरेंस है। सो हियर CSS और CSS2 का प्राइमरी पर्पस क्यों था, क्यों डिजाइन, क्यों आया CSS इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज हमें फॉर्मेटिंग फीचर्स पे पूरा फोकस करना था। सो इधर आप टेक्स्ट को, आपके ऑब्जेक्ट को पोजिशनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सारा फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग CSS, CSS2, CSS3 में भी हम ये काम कर सकते हैं। CSS और CSS2 इज हैविंग बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब दे आर कंपेटेबल विद CSS3, बट CSS3 के साथ ऐसा नहीं है। अगर CSS3 का कोड आप CSS में लिखोगे सो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सो CSS3 अगर हम बात करें तो nowadays we are using CSS3, सो इट मेक्स द वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड इट टेक्स लेस टाइम टू क्रिएट अ पेज, ठीक है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, इसमें ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स हैं, कुछ एक्सटेंशन है, तो CSS3 के थ्रू यू कैन मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव। अभी अगर हम डिजाइन फीचर की बात करें तो CSS डज नॉट सपोर्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है, वेयर एज CSS3 इट सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, मतलब आपका जो वेब पेज है इसको अगर आप डेस्कटॉप पे ओपन करते हो, मोबाइल पे ओपन करते हो, लैपटॉप पे ओपन करते हो, तो सबका स्क्रीन साइज डिफरेंट रहेगा। तो रिस्पॉन्सिव अगर आपका साइट है तो आपको सारे डिवाइसेस पे इक्वली दिखेगा, मतलब जैसा आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है उसी टाइप का आपको मोबाइल पे भी दिखेगा। तो ये वाली फैसिलिटी, जो ये वाला फीचर है, जो CSS डजंट सपोर्ट दिस फीचर, वेयर एज CSS3 में लेटेस्ट वर्जन एंड सपोर्ट्स आर देयर फॉर प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। थर्ड फीचर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल्स, CSS is not divided into modules, whereas CSS3 it could split into modules. Animation, CSS or CSS2 में 3D animation and transformation provide करने की capability नहीं है, whereas in CSS3 animation and 3D transformation are used. So elements को आप move करवा सकते हो across your screen with the assistance of JavaScript and Flash. तो आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा एंड इसकी हेल्प से आप अपने एलिमेंट्स को पूरे स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एनिमेशन यू कैन यूज यूजिंग CSS3। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो CSS इज स्लोअर देन द CSS3। कलर, CSS प्रोवाइड्स यूनिक कलर स्कीम्स एंड स्टैंडर्ड कलर, और CSS भी प्रोवाइड कर सकता है, CSS3 भी प्रोवाइड कर सकता है, बट CSS3 में HSL, Hue Saturation and Lightness, जिनकी हमने बात की थी, RGBA, Red, Green, Blue and Alpha Channel is also present in CSS3. HSLA means Hue Saturation, Lightness and Alpha Channel and Gradient Colors are also available in CSS3, जो कि CSS के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। So these are some features through which we can differentiate CSS or CSS2 with CSS3.